जी पंजाब दे विच बारिश का हाई अलर्ट जारी है। असीं पहुँच चुके हैं लुधियाना के सतलुज दरिया के उत्ते। तुसीं देख सकते हो तस्वीर कि जिस तरह कि पानी का जिहड़ा लैवल है वह वधदा जा रहा, सतलुज दरिया का लैवल है वह वधदा जा रहा है। तो किते ना किते अलर्ट लैवल दे तो 1.5 से 2 फुट के सिर्फ घट है। तो उस तो बाद दूजा लैवल तुसीं देख सकते हो पानी का जिहड़ा कि चलता पिया, वह लगातार जिहड़ा लैवल है वह पानी का जिहड़ा वधदा जा रहा। प्रशासनिक अधिकारी भी इत्थे मौजूद ने कि पूरे तरह के बंदोबस्त लैके इत्थे मौजूद खड़े ने, साढ़े नाल ने। असीं उन्हां नाल भी गल करना चाहवांगे। सर की कहना चाहोगे तुसीं जिहड़ा अज इत्थे सतलुज ते खड़े हो? मैं देखो जी पंजाब इरीगेशन डिपार्टमेंट के गेज रीडर अमरजीत सिंह काम कर रहा, 24 घंटे मेरी ड्यूटी लगी हुई है। साढ़े बंदे घट होने करके असीं हुण मोहाली तो एक बंदा वापस बुलाए ने, तो जिहड़ा पानी आ रोपड़ तो छड्या होया उहदी लगातार जिहड़ी रात तो लैके हुण तक 4.5 फुट पानी जिहड़ा वध चुका। जिहड़ी रोपड़ दी डाउन स्ट्रीम आ वह 1,34,317 जिहड़ी अज सवेरे 7 बजे दित्ती आ, जदों कि वह काफ़ी ज़्यादा आ। ज़्यादा होण कारण पानी का जिहड़ा अलर्ट लैवल आ उतों भी टप्पिया जा सकता आ, पर पिंडां दे विच जिहड़े जिमीदारां दे खेत आ उहनां दे सारयां दे विच पानी बढ़ चुका। और आर्मी वालों भी साढ़े को 24 घंटे की गेज लई जा रही है, उन्होंने भी पूरा अलर्ट किया। जलंधर से नवांशहर तो लुधियाने के डीसी ने रिपोर्टा मिनट मिनट दी जा रही हैं। बिल्कुल तुसीं दस्सिया कि लुधियाने डीसी नूं रिपोर्टा जा रही ने, तो किते ना किते जिहड़ा हैगा कि इत्थे अधिकारियों की भी कमी पाई जा रही है, तो तुहानूं लग रहा कि इत्थे अधिकारी होण होर होने चाहिए ने जिदा अलर्ट जारी है जी? देखो जी जिदा ड्यूटी बनदी आ ड्यूटी के मुताबिक साढ़े बंदे वध होने चाहिए। असीं 2 बंदे जिहड़े 12-12 घंटे 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, जदों कि साढ़े कोल स्टाफ की घाट होण कारण असीं बहुत ज़्यादा उहदे नसीबत दे विच फिर भी आपां लोक सेवा की खातर असीं खड़े हैं। पर असीं पब्लिक के नाल चाहे ड्यूटी जो मर्जी हो जाए असीं अपनी ड्यूटी के पूरी ईमानदारी नाल करांगे। सरकार क्यों नहीं जिहड़े हैगे मुलाजम वधा रही, क्योंकि जिस तरह की तुसीं हुण दस्से कि अधिकारियों की कमी है, तो किते ना किते ये कमी जिहड़ी हैगी है क्योंकि सिर्फ 2 बंदे इस लैवल नूं जिहड़ा हैगा कंट्रोल नहीं कर सकते। कि कोई तुहानूं लगदा कि ज़्यादा लैवल बंदे होने चाहिए? इहदे विच साढ़े कोल पहला 5 बंदे होंदे सी इस जगह से ड्यूटी ते जी, जदों कि पंजाब गवर्नमेंट ने जिहड़े भी मतलब डैथ केस हो गया उहदे ते भर्ती रखी हुई है। पंजाब गवर्नमेंट ने 2002 तों बाद कोई भी भर्ती नहीं की, ना इन्हां ने कोई हजे तक किसी मुलाजमान का कुछ किया। जिन्नियां पोस्टा सारियां दियां सारियां खाली पईआं, जिन्ने भी डिपार्टमेंट आ तकरीबन A to Z सारे डिपार्टमेंट आ सब तो खाली पए आ। जिहड़े उपरलियां पोस्टा आ जे कोई लोड़ पैंदी उह भर ले जांदे हन, ते मुलाजमान दे नाल बहुत तकड़ा धक्का किया जा रहा। तो लग रहा कितने ना कितने ये जिहड़ी कमी है इहो जिहे लैवल नूं कंट्रोल कर पाएगी? देखो जी इस टाइम के असी तो ड्यूटी लगातार एमरजेंसी भी कर रहे हैं, पर सरकार को चाहिए भी जेडे यह जे टाइम के ड्यूटियां बंद जी उन्होंने पूरा किया जाए। और बन्ना के उत्ते साडे जिहड़े ड्रेनिंग महकमे के मुलाजम आ जिथे साढ़े को 15 बेलदार सके, अजो साढ़े को 5 बेलदार आ अपने गुरतेज सिंह गरचा साहब के कोल, वो भी बंदे साढ़े रात के 24-24 घंटे के लगे हुए हैं। कोई कासाबाद बैठा, कोई सीट फार्म से बैठा, कोई कितने बैठा, कोई कितने बैठा, वो सारे के सारे आले दुआले लगे हुए बैटरियां लैके रातों नूं बैठे आ। रोटी भी उन्हां दी जिहड़ी आ कोई बंदा लैके आ रहा, कोई लैके आ रहा, तो एमरजेंसी होण करके जिहड़े महकमे आ सारी खाली पए आ। सरकार ने कोई इस पासे ध्यान नहीं दिता। किन्ना जिहड़ा लैवल है जी हुण हजे खतरे तो थल्ले है जी? खतरे तो जिहड़ा अपने अलर्ट लैवल तो 1.5 फुट जिहड़ा पानी आ वह इस टाइम हजे एक अपने अलर्ट लैवल तो थले चल रहा। लग रहा है कि इस तरह पानी चलता रहा, तो कितनी देर तक उपर तक पहुंचे? ये देखो जी जी रोपड़ की डाउन स्ट्रीम बधाई है इन्होंने, वो मुताबिक मतलब जोड़ा बनता भी शायद का मामला अलर्ट लैवल बन सकता, क्यों जी रोपड़ की डाउन स्ट्रीम ज़्यादा छड़न करके वाल हो सकता भी शायद का मामला अलर्ट लैवल बन जाए। प्रशासन वालों किस किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, कि किश्तियाँ मंगाई गई ने जिहड़ा अपने प्रशासन ने करना हुंदा डीसी साहब के अंडर हुंदा जी, SDM साहब के अंडर हुंदा, उन्होंने अपनी तैयारी करनी हुंदी आ, उन्होंने पूरा तैयारी की हुई है, वो अपनी तैयारी के लगे हुए। देखते पे किश्तियां की हालत जिहड़ी हैगी आ बड़ी माड़ी, असीं दिखाना चाहांगे क्योंकि किश्तियां की हालत देखने वाली है कि इत्थे टुटियां पईआं किश्तियां पईआं ने, लेकिन जिहड़े डीसी वल्लों इंतजाम है वह तुसीं देख सकते हो कि घट्टो घट नहीं तो इस तरह के इंतजाम होणगे, तो कि इहो जिहे लैवल ते लड़ पाणगे? असीं इन्हां तों भी जानना चाहांगे जी इस तरह की किश्तियां की लड़ पाणगे। ये देखो जी काफ़ी सालों की जी किश्ती है ना पुरानी पई आ, पर इस टाइम के जी डीसी साहब ने किश्तियाँ भेजनिया वह नहीं हजे आईया, हजे नहीं आईया। बाकी जी लगता है कि हजे नहीं आईया, तो डीसी साहब के उत्ते भी प्रशासन के उत्ते भी लुधियाना प्रशासन के बड़े वे सवाल खड़े होंगे ने, क्योंकि जे कोई खतरा वधदा तो की लड़ पाऊगा प्रशासन? नहीं वो वास्ते प्रशासन की पूरी तैयारी है जी।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹ SDM ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SDM ਲੈਵਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ SDM ਲੈਵਲ ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1.5 ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਡਾਊਨਫਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾੜ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਖਹਿਰਾ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।